कॉलेज का प्यार। आज हम बात करने वाले हैं एक इमोशनल स्टोरी कॉलेज के प्यार के बारे में। कॉलेज का पहला दिन था, सभी विद्यार्थी उत्साहित थे क्योंकि आज उनका परिचय नए नए मित्रों से होने वाला था। कोई विद्यार्थी महंगी बाइक लेकर आता तो कोई महंगी गाड़ी। कई छात्र ऐसे भी थे जो सार्वजनिक वाहन से भी कॉलेज पहुंचे थे। आज का दृश्य देखने ही बनता था। महेश कॉलेज के गेट पर खड़ा खड़ा कॉलेज का यह दृश्य निहार रहा था। उसे भी एक क्षण ऐसा लगा, काश मेरे पास भी कोई अपना निजी वाहन होता तो मैं भी इन लोगों की तरह कॉलेज पहुंचता। किंतु कोई नहीं, भाग्य सबका पलटता है। महेश ने बीए राजनीति शास्त्र में दाखिला लिया था। वह अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया। वहां और भी विद्यार्थी क्लास में मौजूद थे। सभी से परिचय हुआ, किंतु जिस प्रकार अन्य सभी मिलजुल कर हंसी बोली कर रहे थे, महेश को कोई उस प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। महेश एक बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने साथियों को देखता रहा। यहाँ भी उसे आभास हुआ कि अन्य विद्यार्थी रुचिपूर्वक और उत्साहपूर्वक मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। रिया संपन्न परिवार से है। वह अपने ऊंचे स्वाभिमान और दिखावे में जीने वाली एक नए जमाने की युवती है। रिया अपने से नीचे और कम पैसे वालों से बात करना उचित नहीं समझती, इसलिए वह कक्षा में महेश और उस जैसे लोगों से बात नहीं करती। महेश भले ही आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, किंतु वह कक्षा में अन्य छात्रों से अधिक जानकार और पढ़ने में होनहार हैं। प्रोफेसर द्वारा किए गए हर एक प्रश्न का उत्तर वह सटीक और जल्दी देने का प्रयास किया करता है। प्रोफेसर द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट को बनाने में सभी छात्रों को कठिनाई हो रही थी, किंतु महेश को अधिक कठिनाई नहीं हुई। उसने लाइब्रेरी से किताबों का अध्ययन कर प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा कर लिया। अब रिया के समझ में नहीं आ रहा था कि वह महेश से किस प्रकार बात करे, क्योंकि महेश से बात करना उसके संपन्नता और उसके विचारों के विरुद्ध था। किंतु फिर भी उसने रोबदार लहजे में महेश से बात करना चाहा। किंतु महेश शांत और महिलाओं के प्रति आदर करने वाला व्यक्ति था। उसने रिया के सभी प्रश्नों के जवाब शालीनता से दिए। रिया को आभास हो गया कि वह गलत कर रही है। उसकी आत्मा उसे ऐसा करने से रोक रही है। रिया ने पुनः अपना स्वभाव बदला और महेश से आग्रह किया कि वह उसकी प्रोजेक्ट में मदद कर दे। महेश ने आश्वासन दिया कि वह यथासंभव प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद करेगा। ऐसा ही हुआ। महेश ने रिया का प्रोजेक्ट बनाने में यथासंभव मदद भी की और सही समय पर रिया का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब रिया का देह परिवर्तन हो चुका था। वह धीरे धीरे महेश को अन्य लड़कों से अलग समझ रही थी और उसके प्रति एक आदर और सम्मान का भाव जागृत हुआ। अब रिया पहले से अधिक बदल गई थी। धीरे धीरे वह महेश से बात करने लगी थी। उसके स्वर में एक मधुरता का समावेश भी देखने को मिलता था। इस प्रकार दिन, महीने और साल निकलते रहे। छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते और अब ऐसा हो गया था कि दोनों अगर दिन में एक बार ना मिले तो कुछ खोया खोया सा महसूस हुआ करते थे। समय बीतता गया। अब दोनों कॉलेज के आखिरी दिनों में विचार विमर्श करने लगे और अपने इस प्रकार की दोस्ती को एक रिश्ते में बदलने की बात करने लगे। किंतु रिया संपन्न परिवार की थी और महेश कमजोर और अधिक साधन संपन्न परिवार से नहीं था, इसलिए यहाँ तालमेल बिठाना दोनों के लिए एक चुनौती का विषय बन गया। रिया ने अपने घर में माँ से महेश के बारे में बताया और उससे विवाह करने की बात भी कही। माँ ने पहले रिया को डांटा और फिर काफी बहस के बाद माँ ने समझाया, अगर पिताजी को यह बात पता चल जाए तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इन सब बातों को यही दबा दो और खत्म कर दो। किंतु रिया और महेश का प्यार अब किसी के समझाए और बहकावे में नहीं आने वाला था।
उस समय बाद रिया के पिताजी को भी यह बात पता चली। उन्होंने स्पष्ट ऐलान कर दिया कि इस प्रकार का रिश्ता नहीं हो सकता है और मैं रिश्ते को सहमति नहीं देता हूँ। रिया ने धीरे धीरे अपने परिवार से दूरियां बनाने शुरू कर दी। कभी वह खाना खाती, कभी नहीं खाती। इस प्रकार वह अपने परिवार को अपने पक्ष में करना चाहती थी, किंतु परिवार वालों ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन अचानक महेश को रिया का फोन आया। रिया ने मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया। वहाँ पर दोनों मिले। रिया ने अपनी सारी बातें महेश को बताई। उसके परिवार वाले इस शादी को राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब वह अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हैं। वह तुरंत कहीं भाग जाना चाहती हैं। महेश ने काफ़ी समझाया, किंतु रिया घर से ठान कर आई थी कि वापस अपने घर पर नहीं आएगी। अब महेश के लिए आफत की बात यह थी कि वह अपने भी घर नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर रिया के द्वारा लाए गए पैसों के आधार पर दोनों गोवा भाग गए। रिया के परिवार भले ही संपन्न हो, किंतु वह रिया के बगैर जीना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खोजबीन चालू किया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी किया और महेश के घर भी पता करवाया, किंतु महेश के घर भी कोई जानकारी नहीं थी दोनों कहाँ गए हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन बीतता गया। कुछ समय बाद रिया ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। माँ ने काफ़ी समझाया, किंतु रिया कुछ समझने को राजी नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, रिया की माता पिता खोज खबर लेते हुए गोवा पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने महेश और रिया का पता लगाया। दोनों माँ बाप ने रिया और महेश को समझा बुझा कर घर लाया और बताया कि इस प्रकार के कृत्य से समाज में बदनामी होगी, तुम्हारी शादी हम रीति रिवाज और सबकी सहमति से करेंगे। समय और लगन निकाल कर रिया और महेश की शादी भी हो गई। दोनों वैवाहिक जीवन को सुख ढंग से जीने लगे। दोनों को प्रेम की निशानी के रूप में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे पाकर दोनों एक अनोखी खुशी महसूस कर रहे थे। महेश पढ़ाई में अच्छा था, उसने सरकारी परीक्षा पास कर एक उच्च स्तरीय नौकरी प्राप्त कर ली। रिया प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर स्थायी रूप से कार्य करने लगी। इस प्रकार दोनों की प्रेम कहानी एक खूबसूरत और सुखी संपन्न चल रही थी।